Hello kids, I hope that you all are healthy and fit. So let's start our today's class. Our today's topic is our family. Means हमारा परिवार. हम अपने घर में जिनके साथ रहते हैं, like हमारे parents, grandparents, uncle, aunt, brother, sister and our cousins. तो ये सब मिलकर बनाते हैं एक family. हमारी family हमारी care करती है. In our family, we are secure in every way and we learn so many things from our family. अपनी family में हम हर तरह से खुद को secure feel करते हैं और हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपनी family से सीखते हैं. That's why our family is called our first school. So, अगर हम family की definition की बात करें, then we will say family is a group of people लिविंग टुगेदर. फैमिली वो ग्रुप है जहाँ पर लोग एक साथ रहते हैं. लोगों का वो ग्रुप जो एक साथ रहता है, मिलकर रहता है, उसे क्या कहेंगे हम? फैमिली. एंड आवर फैमिली इज कॉल आवर फर्स्ट स्कूल. वाई आवर फैमिली इज कॉल आवर फर्स्ट स्कूल? बिकॉज वी लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली. क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें अपनी फैमिली से सीखते हैं. हम स्कूल में जाने से पहले चलना, बोलना और भी बहुत सारी चीज़ें हम कहाँ से सीखते हैं? अपनी फैमिली से. दैट्स वाई आवर फैमिली इज कॉल्ड आवर फर्स्ट स्कूल. नेक्स्ट, इफ़ वी टॉक अबाउट काइंड ऑफ फैमिलीज, तो नंबर ऑफ मेंबर्स के बेस पर फैमिलीज को हम टू टाइप में डिवाइड कर सकते हैं. और वी कैन से कि फैमिली टू टाइप्स की हो सकती है. फर्स्ट न्यूक्लियर फैमिली और वी कैन से स्मॉल फैमिली. स्मॉल फैमिली को ही क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फैमिली. और वी कैन से न्यूक्लियर फैमिली को ही स्मॉल फैमिली बोलते हैं. एंड सेकंड इज जॉइंट फैमिली. सो फर्स्ट न्यूक्लियर फैमिली एंड सेकंड इज जॉइंट फैमिली. लुक इन दिस पिक्चर. यहाँ पर क्या है? किस पेरेंट्स हैं? पेरेंट्स हैं और उनके चिल्ड्रन हैं. सो दिस फैमिली इज ए स्मॉल फैमिली. इस फैमिली में मेंबर्स कम है ना, पेरेंट्स हैं और चिल्ड्रन हैं. दिस फैमिली इज़ ए स्मॉल फैमिली. एंड नाउ लुक एट दिस पिक्चर. यहाँ पर बहुत सारे मेंबर्स हैं. सो दिस फैमिली इज़ ए बिग फैमिली. यहाँ पर ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, पेरेंट्स या वी कैन से अंकल आंट चिल्ड्रन. तो मेंबर्स ज़्यादा हैं. हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंट, उनके चिल्ड्रन, दैट इज़ आवर कजन्स, वो सब मिलके रहते हैं. वो क्या है? एक बिग फैमिली. सो अगर हम न्यूक्लियर फैमिली की डेफिनेशन की बात करें, न्यूक्लियर फैमिली मींस स्मॉल फैमिली, देन वी कैन से ए स्मॉल फैमिली इन विच मदर, फादर एंड देयर चिल्ड्रन लिव टुगेदर इज कॉल्ड ए न्यूक्लियर फैमिली. एक वो छोटी फैमिली जिसके अंदर मदर, फादर और उनके बच्चे रहते हो, तो वो क्या होगी? न्यूक्लियर फैमिली. यहाँ पर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स या अंकल आंट को इंक्लूड नहीं किया हुआ, सिर्फ क्या है? पेरेंट्स और चिल्ड्रन. तो ये क्या हो गई? न्यूक्लियर फैमिली. बट इफ़ वी टॉक अबाउट जॉइंट फैमिली, देन लुक एट दिस. इन सम फैमिलीज ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिव टुगेदर. सच काइंड ऑफ फैमिली इज कॉल्ड जॉइंट फैमिली. वो फैमिलीज जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल आंट्स और उनके बच्चे एक साथ रहते हो, लिव टुगेदर, ऐसी फैमिली को हम क्या कहेंगे? जॉइंट फैमिली. सच काइंड ऑफ फैमिली इज कॉल्ड ए जॉइंट फैमिली. So what is the definition of joint family? In some families, grandparents, parents, uncle, aunts and their children live together. Such kind of family is called a joint family. So ये तो हमने बात की small और nuclear family and joint family की. So if we talk about extended family, अगर हम extended family की बात करें, तो extended family क्या होती है? एक्सटेंडेड फैमिली वो होती है जो हमारे फैमिली मेम्बर्स तो हैं बट हमारे साथ नहीं रहते. हमारे वो रिलेटिव्स
जो हमारे साथ नहीं रहते, बट कुछ खास ओकेजन्स में, कुछ खास फेस्टिवल्स पे, ओकेजन्स और फेस्टिवल्स पे हमारे घर में सेलिब्रेट करने आते हैं या हम सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, तो वो मेंबर्स और हम सब मिलकर क्या बनाते हैं, एक एक्सटेंडेड फैमिली, राइट। अभी आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, तो यहाँ पर कई सारे फैमिली मेंबर्स हैं, तो वो क्या है, बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक साथ इकट्ठे हुए हैं, तो ये क्या है, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली। ओके, अब आप यहाँ पर भी देख सकते हैं एक्सटेंडेड फैमिली, द पीपल वी लिव विद इन आवर होम आर ए पार्ट ऑफ आवर इमीडिएट फैमिली। वो लोग जिनके साथ हम अपने घर में रहते हैं, वो किस चीज़ का पार्ट हो गई, हमारी एक इमीडिएट फैमिली का। बट द अदर फैमिली मेम्बर्स हु लिव सेपरेटली फ्रॉम अस, जो हमसे अलग रहते हैं, आर ए पार्ट ऑफ आवर एक्सटेंडेड फैमिली, वो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली का पार्ट है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है एंड यहाँ पर मैरिज, तो जब कोई ओकेजन होता है तो वो मेंबर्स हमारे साथ सेलिब्रेट करने के लिए इंक्लूड होते हैं, तो वो क्या हो गई, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली। नेक्स्ट, इफ़ वी टॉक अबाउट द थिंग्स दैट वी लर्न इन द फैमिली, देन वी से फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न गुड मैनर्स एंड गुड हैबिट्स। हम अच्छे मैनर्स, मैनर्स मीन्स योर बिहेवियर, ओके, योर बिहेवियर, आप दूसरों के साथ कैसा बिहेव करते हो, वो है आपके मैनर्स। योर हैबिट्स, आपकी आदतें, तो आप गुड मैनर्स एंड गुड हैबिट्स कहाँ से सीखते हैं, अपनी फैमिली से। वी लर्न टू लव एंड रिस्पेक्ट ईच अदर, तो हम एक दूसरे के साथ प्यार से रहना और रिस्पेक्ट से, आदर से रहना कहाँ से सीखते हैं, वो भी हम अपनी फैमिली से सीखते हैं। वी लर्न टू वर्क टुगेदर, हम एक साथ काम करना, एक टीम की तरह काम करना, वो समझदारी हमारे अंदर कहाँ से आती है, हमारी फैमिली से। फैमिली में हम सब मिलकर एक साथ रहते हैं, तो वहीं से एक साथ मिलकर काम करने की जो समझदारी है, वो हमारे अंदर फैमिली से ही आती है। ओके, वी लर्न आवर कल्चर एंड कस्टम्स एट होम, हम अपने कल्चर और कस्टम्स, अपने जो रीति रिवाज है, वो कहाँ से सीखते हैं, हम अपनी फैमिली से। ओके, और हमारी फैमिली ही हमारी केयर करती है, दे ट्राई टू सी दैट नो वन सफर्स फ्रॉम एनी इलनेस, वो कोशिश करते हैं कि हम में से कोई भी कभी बीमार ना हो, बट इफ़ वी फॉल इल आवर फैमिली मेम्बर्स एंड आवर पेरेंट्स टेक केयर ऑफ अस, फैमिली हेल्प्स टू बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में भी हमारी कौन हेल्प करता है, हमारी फैमिली हेल्प करती है। यहाँ पर हम ट्विंस की डेफिनेशन करेंगे, ट्विंस, समटाइम्स टू ब्रदर्स और सिस्टर्स में लुक एग्जैक्टली द सेम, सच ब्रदर्स और सिस्टर्स आर कॉल्ड ट्विंस। कई बार टू ब्रदर और सिस्टर जो है वो एकदम सेम दिखते हैं, तो उन ब्रदर और सिस्टर्स को हम क्या बोलेंगे, ट्विंस। ओके, नेक्स्ट, इफ वी टॉक अबाउट रिलेटिव्स, रिलेटिव्स देन वी हैव टू टाइप्स ऑफ रिलेटिव्स, पैटर्नल रिलेटिव्स एंड मैटर्नल रिलेटिव्स। पैटर्नल रिलेटिव्स मीन्स जो हमारे फादर से जुड़े हुए हमारे रिलेटिव्स हैं, वो हमारे हो गए पैटर्नल रिलेटिव्स, एंड जो हमारी मदर से जुड़े हमारे रिलेटिव्स हैं, वो हो गए हमारे मैटर्नल रिलेटिव्स। सो अगर हम पैटर्नल रिलेटिव्स को डिफाइन करें, देन वी विल से पैटर्नल रिलेटिव्स आर दोज रिलेटिव्स हु आर फ्रॉम आवर फादर साइड, मीन्स जो हमारे पापा की साइड से होते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे पैटर्नल रिलेटिव्स। अवर पैटर्नल फैमिली में इंक्लूड ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, मीन्स
पैटर्नल फैमिली में हम किन को इंक्लूड करेंगे? हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट्स और उनके बच्चे। सो कौन कौन से होते हैं पैटर्नल रिलेटिव्स, वो हम देखते हैं। फादर्स, फादर, अपने पापा के पापा को हम क्या बोलेंगे? ग्रैंडफादर, और वी कैन से दादाजी, ग्रैंडफादर और दादाजी। फादर्स मदर, पापा की मम्मी को ग्रैंड मदर और दादी जी। फादर्स ब्रदर, पापा के भाई को अंकल, और वी कैन से चाचा जी, अंकल और वी कैन से चाचा जी। अंकल्स वाइफ मीन्स चाचा की वाइफ को आंट, और वी कैन से चाची जी, क्या बोल सकते हैं? आंट और चाची जी। फादर्स सिस्टर, अपने पापा की बहन को, अपने पापा की सिस्टर को क्या बोलेंगे? आंट, और वी कैन से बुआ जी, आंट और वी कैन से बुआ जी। अंकल्स और बुआज चिल्ड्रन मीन्स हमारे चाचा और बुआ के जो बच्चे हैं उन्हें क्या बोलेंगे? कजिन्स, वो क्या होते हैं? हमारे कजिन्स। सो इफ वी टॉक अबाउट मैटरनल रिलेटिव्स, देन वी विल डिफाइन एज मैटरनल रिलेटिव्स मीन मदर्स पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड देयर फैमिलीज। ओके, सो देखिए इन्हें हम क्या बोलेंगे? मदर्स फादर, मम्मी के पापा को क्या बोलते हैं? मैटरनल ग्रैंडफादर और नाना जी, क्या बोलते हैं? नाना जी। मदर्स मदर, मम्मी की मम्मी को क्या बोलेंगे? मैटरनल ग्रैंड मदर और नानी जी, मैटरनल ग्रैंड मदर और नानी जी। मदर्स ब्रदर, मम्मी के भाई को मैटरनल अंकल, और वी कैन से मामा जी, मैटरनल अंकल या फिर मामा जी। मैटरनल अंकल्स वाइफ मीन्स अपने मामा की वाइफ को क्या बोलेंगे? मैटरनल आंट और मामी जी, मैटरनल आंट या फिर क्या बोल सकते हैं? मामी जी। मदर्स सिस्टर, अपनी मम्मी की बहन को मीन्स उनकी सिस्टर को क्या बोलेंगे? मैटरनल आंट या फिर क्या बोल सकते हैं? मौसी जी, मैटरनल आंट या फिर हम बोल सकते हैं मौसी जी। मामा जी और मौसी जी चिल्ड्रन, मामा जी और मौसी जी के बच्चे क्या होते हैं? हमारे कजन्स, वो क्या होते हैं? हमारे कजन्स। सो नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट वैल्यूज इन ए फैमिली, देन वी विल से गुड वैल्यूज मेक अस ए गुड ह्यूमन बीइंग। हमारे अंदर अच्छा व्यवहार, हमारे अंदर अच्छी वैल्यूज हमें एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाती हैं। वी लर्न गुड वैल्यूज फ्रॉम आवर फैमिली, हम ये गुड वैल्यूज कहाँ से सीखते हैं? अपनी फैमिली से। आवर फैमिली हेल्प अस टू बी ए गुड एंड वेल मैनर्ड पर्सन, हमारी फैमिली ही हमें हेल्प करती है एक अच्छा और वेल मैनर्ड पर्सन बनाने में। लेट्स लर्न सम वैल्यूज, तो हम कुछ वैल्यूज देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट इंटरफेयर व्हेन एल्डर्स आर टॉकिंग, कभी भी जब आपके बड़े बातें कर रहे हो तो आपको उनके बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ओके, बी ट्रूथफुल, हमेशा सच बोलना चाहिए। बी ट्रूथफुल, बी पोलाइट वाइल स्पीकिंग, जब भी आप बोलते हो तो सॉफ्टली और पोलाइटली बोलो, मतलब कभी भी उखड़ के या गुस्से में बात मत करो। एक्सचेंज योर व्यूज एंड आइडियाज व्हेन एवर रिक्वायर्ड, आप अपने आइडियाज या अपने विचार, अपने सुझाव तभी दें जब जरूरत हो, जब कोई आपसे पूछे। ओके, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करें। लव योर यंगर्स, अपने से छोटों से प्यार करें, उनसे प्यार से रहें। डोंट क्रिटिसाइज अदर्स, कभी भी दूसरों को क्रिटिसाइज मत ना करें, मतलब कि ऐसा मत कहें कि वो अच्छा नहीं है, वो बुरा है, वो ऐसा है, उनकी किसी भी बात को बुरा ना कहें, उनको क्रिटिसाइज ना करें। बी रिस्पॉन्सिबल, डू योर ड्यूटीज प्रॉपरली, रिस्पॉन्सिबल बने, अपने काम को खुद करें और अपने जो काम है उनको प्रॉपरली करें, अपनी ड्यूटीज़ को प्रॉपरली करें। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट हेल्पिंग इन द फैमिली, हेल्पिंग इन फैमिली, सो आप कैसे अपनी फैमिली की हेल्प कर सकते हो? ओके, वी लिव टुगेदर इन ए फैमिली, वी शुड हेल्प आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, हम फैमिली में एक साथ रहते हैं तो हमें अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए। तो हम कैसे कर सकते हैं?
We should keep our books, shoes, uniform and school bag at proper places. We should help our mother by cleaning the table after meals, watering plants, dusting the house, etc. You can help your parents by keeping the room neat and clean. Means आप अपना रूम बिल्कुल साफ सुथरा रखें तो इससे आप अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हो. यू कैन हेल्प योर ग्रैंड पेरेंट्स इन गार्डनिंग. यू कैन हेल्प योर मदर इन सर्टेन किचन वर्क्स. यू कैन हेल्प योर पेरेंट्स इन डस्टिंग द हाउस. सो आप ये छोटे मोटे काम करके भी अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हैं. In a family, we are secure in every way. Our family provides us with food, clothing, and shelter. Family members help one another in times of difficulty. हमारी difficulty में हमारे family members ही हमारे काम आते हैं, वो हमारी help करते हैं. Our family system is very important for us. Okay? We share our sorrows and joys with the family. हम अपने दुख सुख भी कहाँ पे शेयर करते हैं? अपनी फैमिली में. ओके, इट सपोर्ट्स एंड गिव्स अस अ लॉट ऑफ केयर एंड लव. हमारी फैमिली हमें सपोर्ट करती है और हमें बहुत सारा प्यार और हमें केयर देती है. सो हमें भी अपनी फैमिली के प्रति अपने कुछ जिम्मेदारियों को समझना चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को. ओके, सो ओके गाइज, यही था हमारा आज का टॉपिक, आवर फैमिली. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. That's all for today.